संत ने जब एक युवक ने संत के पास अपनी व्यथा प्रकट कर दी, इतने प्रयास करने के बावजूद पवित्रता के क्षेत्र में
मुझे जो आनंद आना चाहिए वो आनंद नहीं आता है। अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता हूं, मगर सफलता नहीं मिलती है। व्हाट आई कैन डू? सिर्फ पवित्रता के लिए नहीं, सभी अच्छे कार्य के लिए आज आपको दो बात करना चाहता हूं, जो संत ने युवक को बात बताई कि दोस्त एक काम करना, मन को हमेशा रिमांड पे लेना और कॉन्शियस के डिमांड को पूरी करना। दो विकल्प, मन को हमेशा रिमांड पे लेना और कॉन्शियस जो भी चाहे उनकी डिमांड हो वो पूर्ण करने का प्रयास करना। हमने अभी तक सब उल्टा सुल्टा कर दिया है। कॉन्शियस ने जो भी आवाज निकाली हमने उनको रिमांड पे लिया है, और माइंड ने जो भी डिमांड की वो हर डिमांड हम पूर्ण करने के प्रयास में लगे हैं। मुनिजीवन क्या है, साधना का मार्ग क्या है? आप ये मत मानो कि हम साधु बन गए माने कल्याण हो गया, बिल्कुल नहीं। हमारी कल्याण की संभावना गुरुदेव ने शुरू कर दी, और दीक्षा दिन से आज तक 53 साल तक आपको मालूम नहीं है, बचारी पति जयगोस्वी महाराज के पावन निश्रा में बरसों से रहा, और माटुंगा में चातुर्मास था तब बच्छाधिपति ने मेरे पे हित शिक्षा का पत्र लिखा था, और पत्र में लिखा था, कमाल का कोटेशन था, आज भी वो याद करता हूं। मैं अपने आप को बहुत नसीबदार मानता हूं। बच्छाधिपति ने मुझे लिखा था, रत्न सुंदर महाराज, चाहे कितना प्रवचन करो, चाहे कितना लेखक पुस्तक लिखो, मगर जब तक केवल ला न हो तब तक विषय कषाय का भरोसा मत करना। क्या कमाल का कोटेशन था, जब तक केवल ना न हो, जब तक परमात्मा बनने का पक्का न हो जाए तब तक इस विषय और कषाय किसी का भी भरोसा मत करना, वो कभी भी नाव डुबा सकता है। रिपीट करना चाहता हूं, माइंड को रिमांड पे लो और कॉन्शियस की डिमांड पूरी करते चलो। आप एक बार सुबह से लेकर रात तक अपने आप को चेक करना, मन ने चाह ऐसी चाहिए तुमने शुरू कर दिया, मन ने चाह फैन चाहिए तुमने शुरू कर दिया, मन ने चाह कि मोबाइल से किसी से गप मारना है तुमने शुरू कर दिया, कभी मन के साथ तुमने तूफानी किया, आराम खोर इतने भव भव तक इतने साल तक तेरी हर डिमांड को पूरी करता चला, और तूने क्या दिखाया, क्या आउटपुट में तूने दो चीज, मन की डिमांड पूरी करो आउटपुट में आपको दो चीज देगी, अतृप्ति और असंतोष। आप मन को कुछ भी देते चलो, कुछ भी देते चलो, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, और फिर भी मन टारगेट बनाएगा, यार 50 करोड़ तो हो गया, 100 करोड़ में दिक्कत क्या है, 100 तो हो गया, 500 में दिक्कत क्या है। मन हमेशा आगे का ही टारगेट दिखाता है, और तुम इनको खुश करने के प्रयास में लगे हो, जीवन खत्म हो जाएगा। तो आज 5 बात आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली कंडीशन, मन को रिमांड पे लो और कॉन्शियस की डिमांड पूरी करते चलो। कॉन्शियस चाहता है मैं पवित्र जीवन रहूं, मेरे पास आंख का संयम हो, मेरे पास कान का संयम हो, मेरे पास जुबान का संयम हो, मेरे पास स्पर्श का संयम हो, ये कॉन्शियस की डिमांड है। और मन चाहता है बस जितना भी मिल सके उतना, मरने के पहले सब कुछ सुख पाते चलो। आज 4-5 बात करने के पहले, एक यहाँ आगम वाचना में भी मैंने एक बात बताई थी, मगर आज बात निकली है तो वो कंसेप्ट आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। एकदम गंभीरता से आज का प्रवचन सुनना। 3 चीजें जैसे मैंने बताया था, नदी, सागर और आकाश। शरीर नदी है, मन सागर है, और आत्मा आकाश है। आज आगम वातना में जो पदार्थ किया था, फिर भी 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उनको रिपीट करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा शरीर है ना, परतंत्र है, शरीर परतंत्र है। चाहे मैं कितनी भी बात करूं, कितना भी मैं पहलवान बन जाऊं, कितना भी मैं युवा हूं, मगर 3 चीज को उनके लिए मुझे घूमना ही पड़ेगा। 1 अन्न, नंबर 2 जल, और नंबर 3 ऑक्सीजन। कपड़े बिना शरीर जिंदा रह पाएगा, मकान बिना भी शरीर जिंदा रह पाएगा, संपत्ति बिना भी शरीर जिंदा रह पाएगा, मगर यदि परमात्मा खुद है, चाहे वो महावीर भगवान हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, 3 के बिना जीवन ठिकाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माने 400 दिन के 24 उपवास के बाद
भगवान ऋषभदेव को भी गोचरी निकलना पड़ा। गोचरी तो रोज निकलते थे मगर पालना करना पड़ा। भगवान महावीर को 6 महीने के उपवास के बाद भी पालना करना पड़ा और आज हंस रत्न सूरी है वो तो चाहे कितना भी मांस खमन करे मगर एक टाइम आता है कि जब तक शरीर है तब तक अन्न जल और ऑक्सीजन कंपलसरी चाहिए। ओके, अभी मैं आगे चलना चाहता हूं। शरीर परतंत्र है और आत्मा स्वतंत्र है। अब इनकी आइडेंटिटी समझ लो। मोक्ष में जाने वाले आत्मा को न शरीर की जरूर, न अन्न की जरूर, न पानी की जरूर, न कोई पत्नी की जरूर, न बेटे की जरूर, न बाप की जरूर, न शिष्य की जरूर, न गुरु की जरूर, न विचार की जरूर। फिर से, व्यक्ति वस्तु और विचार एक भी चीज नहीं चाहिए, वो आत्मा है। न वस्तु चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, न विचार चाहिए। फिर से कहूंगा, शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है। प्रश्न सबसे ज्यादा रहा मन का, हम मन को किस कैटेगरी में रखेंगे, मन स्वतंत्र है कि परतंत्र है? आपने वो क्वेश्चन सुना होगा, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मोक्ष में ले जाने वाला भी मन और संसार में रखने वाला भी मन। हमारी भाषा में जिन्हें डबल ढोलकी के भाई ने एवं, तो एक प्रश्न ये आता है कि मन है क्या? शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, और मन की बात आज गंभीरता से समझ लो। यदि शरीर के पक्ष में मन है तो परतंत्र है, और आत्मा के पक्ष में मन है तो स्वतंत्र है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मन शरीर के पक्ष में है तो परतंत्र है, और आत्मा के पक्ष में है तो वो स्वतंत्र है। माने चाहे तुम माथेरान जाओ, मगर माथेरान जाने के पहले आपका मन ये कहता है कि माथेरान में मंदिर होगा तो ही मैं टीकेगा कि नहीं
तीन विकल्प है मेरे और आपके सामने। दो मिनट के लिए बात थोड़ी आगे पीछे हो गई, मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर आगे चलना चाहता हूं। शरीर परतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है और मन, यदि शरीर की फेवर में है तो परतंत्र है और आत्मा की फेवर में तो स्वतंत्र है। मैं बात करना चाहूंगा, आप माथेरान घूमने के लिए जाते हो मगर आपके मन में सबसे पहले ख्याल है कि माथेरान में जाना तो चाहता हूं मगर अष्टप्रकारी पूजा रोज करता हूं, माथेरान में क्या परमात्मा का मंदिर है? तो माथेरान में जाने के पहले प्रभु की सोच आपका मन स्वतंत्र है। और संकेश्वर जाने के पहले आपने पहले ये पूछा भोजनशाला बराबर है कि नहीं, तो आपका मन परतंत्र है। माने माथेरान में प्रभु को याद करना मन स्वतंत्र, और संकेश्वर में शरीर को याद करना मन परतंत्र। ये कंसेप्ट आपके मन में क्लियर होना चाहिए कि मन जब शरीर की फेवर में है तब संसार है, मन आत्मा की फेवर में है तब मोक्ष है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन शरीर की फेवर जब तक करता रहेगा तब तक संसार पक्का, और मन आत्मा की फेवर करता रहेगा तब तक मोक्ष 100% निश्चित। आज उनको लेकर के आपके सामने पांच बात करना चाहता हूं। पक्का कर लेना, जिंदगी में यदि हम पवित्रता को सेव करना चाहते, सेव एंड सेफ, तीनों दो बात, एक तो सेव करना है और पवित्रता को सेफ करना है, तो मेरे और आपके सामने तीन विकल्प भगवान मावी ने जो बताया मैं आपको भी बताना चाहता हूं। नंबर वन, गिव एंट्री। आप बड़ी गंभीरता से सुन लेना, गिव एंट्री। आज तक तुमने कितने भी परमात्मा के वचन सुने मगर एग्जिट हो गया, गिव एंट्री। हमने कई अमुनि जीवन में प्रवेश किया, मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं, जो भी गलत चीज है उसको भले प्रवेश कराओ ना कराओ मगर जो भी अच्छी चीज है, आप आंख बंद करो और आपके सामने संकेत और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा आ जाए, गिव एंट्री। कभी कभी क्या होता है, मैं छोटी सी बात आपको जोक्स लगेगा मगर इट वॉज द फैक्ट। बरसों पहले चंदनमाला अपार्टमेंट में मेरा चातुर्मास था और चातुर्मास 14 के दिन एक लड़का दोपहर को मिलने के लिए आया, माना साहब कल पालीताना जाता हूं कोई काम हो तो बताओ। बोला कल तो पुणे में, बस जाता हूं आज रात को। ठीक है, मैं तो क्या करूं, मैं बोला पालीताना जाता है भगवान के दर्शन में मुझे याद करना, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, दिस इज अ फैक्ट। वो लड़का शाम को प्रतिक्रमण पूनम का करता था, लड़का मिलने के लिए आया, मारे से साता में हो। मैं बोला तू पालीताना जाने वाला था, जा क्या है हमारे से? अरे बोला कल तो तू यहां था, जा क्या है? माना साहब हमारे पास तो सब कुछ व्यवस्था है ना, तो जा क्या है? मैं बोला कैसे गया? माना से देखो एयरपोर्ट पर टैक्सी में गया, प्लेन में भावनगर गया, भावनगर से टैक्सी में पालीताना गया, पालीताना से धर्मशाला में गया, घोड़ा गाड़ी में तलेटी पे गया, डोली में ऊपर गया। अब ये समझ लेना मीडियम, टैक्सी में एयरपोर्ट, प्लेन में भावनगर, वहां से टैक्सी में पालीताना, धर्मशाला घोड़ा गाड़ी में और डोली में ऊपर, माना साहब पूजा करके नीचे वही क्रम से नीचे उतरा और आज यहाँ आ गया। मैं बोला ठीक है अभी जो तूने किया वो, मगर सिर्फ इतना बता दे ऊपर कब पहुंचा? माना साहब करीबन 12-1 बजे पहुंच गया था ऊपर। मैं बोला इतना बता दे भगवान के मस्तक पर जो मुकुट था वो मुकुट कैसा था? सच बताऊं, वो लड़के अपने सर पे हाथ फिराने लगा, माना साहब मुकुट था कि नहीं पता ही नहीं हूं। मैं बोला तू गया था कि तेरा पार्सल गया था? यार तू टैक्सी में गया, प्लेन में गया, घोड़ा गाड़ी में गया, धर्मशाला में गया, भोजनशाला डोली में गया, 2-3 हजार किलोमीटर की मुसाफरी करके आया, 3-4-5 हजार का खर्च करके आया, और इतना भी तुझे पता नहीं कि मस्तक पर मुकुट था कि नहीं? ये गिव एंट्री। आप एक बार पालीताना का एक बार किसी भी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी में इतना पूछना चाहता हूं, आपने जिंदगी में जो भी प्रभु के दर्शन किए आंख बंद करो और उनकी मुखाकृति यदि आपकी आंख के सामने आ जाए आप जीत गए। हमने कितने परमात्मा के दर्शन किए मगर आज तक कभी हमने एंट्री नहीं दी, हमने एक एंट्री। आज आप क्या मानते हो, हमने जो आगम पढ़ते हैं ना, आचारंग सुविधांग ठाणांग भगवती, सब एंट्री माने सेव कर देते हैं।
यदि हमारे मन में यह सब स्थिर नहीं होता और निकल गया होता तो आज मुनि जीवन में मस्ते भी तो नहीं होते। आपने कितने प्रवचन सुने, तुम्हारी सबकी शिकायत भी है ना, माना साहब प्रवचन सुनते फिर रहता नहीं है यार। सच बोलो, एक प्रश्न में आपको गंभीरता से आक्षेप के साथ पूछना चाहता हूं, आपको याद रहता नहीं कि आप याद रखना नहीं चाहते? भले आप मुझे बोलो ना बोलो, मैं आपको आक्षेप करना चाहता हूं, हमें परमात्मा के वचन आपने जितना भी सुख अभी तक किया उनको याद रखने का तुम्हारा प्रयास नहीं, नहीं याद रखना तुम चाहते ही नहीं। क्यों नहीं याद रखना चाहते हो? मेरा प्रवचन यदि आपको लगता है गुरुदेव लॉजिकली ट्रस्ट से भगवान महावीर के वचन 100% जब सुनते गुरुदेव लगता है 100% सच्चा है, याद रखने का तुम्हारा प्रयास क्यों नहीं है? आप में फिर से मैं कहूंगा, याद रहता नहीं वो तुम्हारी शिकायत 100% में 99% नहीं 100% वो शिकायत आपकी झूठी है। आप परमात्मा के वचन को याद रखना चाहते नहीं हो, इसलिए मैं यही कहूंगा 10 साल के पहले किसी ने तुमको गाली दी थी वो आज तुम्हें याद है और कल का प्रवचन मेरा याद नहीं है। माने गाली तुमने याद रख ली और प्रवचन याद नहीं रहा। सच बोलो, गाली तुमने याद रख ली और प्रवचन याद नहीं रहा? याद नहीं रहा कि तुमने याद रखा नहीं? मैं क्या बताऊं, अगले जन्म में प्रभु के वचन को ले जाना है, तुम्हारा ये वचन घर तक नहीं पहुंचता तो कैसे ठिकाना कैसे बढ़ेगा? मैं रिपीट करना चाहता हूं, महाराजा शनि नरक गति में भी गए तो परमात्मा महावीर के वचन को लेके गए। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझते हो? नरक गति में परमात्मा महावीर देव के वचन को लेकर के श्रणिक महाराजा गए तो नरक गति में भी श्रणिक की समाधि बनी है और मेरा प्रवचन आपके घर तक नहीं चलता है। प्रवचन सुन लिया और सीधी बात खत्म, गुरुदेव मुझे याद नहीं, कल आपने क्या बताया? अरे याद नहीं है, आप मुझे बताएंगे? मेरे प्रवचन को, मेरे प्रवचन की मेरे शब्द मत नहीं बोलता हूं, परमात्मा के वचन को याद करने का तुम्हें आनंद नहीं है, तुम्हारा प्रयास नहीं है, तुम्हारी मेहनत नहीं है। वाई नॉट? ये प्रवचन याद रखने जैसे नहीं है, आपके जीवन को इंप्लीमेंट करने जैसे नहीं, आपके हर व्यवहार में ये प्रवचन आपको काम नहीं लगने वाले नहीं। सच बताओ, मेरा प्रवचन ये परमात्मा का वचन समाधि के लिए है, साधना के लिए, शांति के लिए है, स्वस्थता के लिए, संबंध के लिए। आप एक क्षेत्र ऐसा दिखाओ जहां प्रभु का वचन आप इंप्लीमेंट न करो और आप अवॉइड कर सको गुरुदेव, इस क्षेत्र में परमात्मा का वचन आपको मालूम नहीं है। हमारे वहां ऐसा एक चोर और डाकू हो गया जिसने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव मेरे वहां छात्रमास करना तो करो मगर मुझे उपदेश मत देना, और गुरुदेव ने वहां छात्रमास किया था। ऐसे क्षेत्र में चातुर्मास किया कि जिस क्षेत्र के मालिक ने कहा था कि 4 महीना रहने की छूट, मगर आपका उपदेश मैं सुनना नहीं चाहता क्योंकि आपके उपदेश से मैं भी पॉसिबल मेरा चोरी का धंधा छूट जाए। चोर था एक नंबर का और गुरुदेव रहे और 4 महीना चातुर्मास की समाप्ति के बाद गुरुदेव विहार किए करके गए, तब वो विहार में पीछे रखने के लिए आया, तब गुरुदेव ने कहा तेरी प्रीमाइसिस पूरी हो गई, अभी मैं तुझे कुछ कह सकता हूं? और उन्हें मतलब बोलो यदि मेरे में योग्यता लगती है तो आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मगर एक बात समझ लेना मैं चोर हूं, माने मर्डर भी करता हूं, रैप भी करता हूं, खून भी करता हूं, सब कुछ करता हूं, वो सोच के मुझे उपदेश देना। और आचार्य भगवान ने कहा कोई चिंता नहीं, तू ये काम कर पाएगा क्या? कभी भी कोई लड़की मिल जाए रैप करने का मन होने, राजा की रानी को छोड़ देना। वो चोर ने बोला हमारे नशे में राजा की रानी का, ठीक है गुरुदेव नियम दे दो, राजा की रानी पे कभी रैप नहीं करूंगा। मर्डर करना है तो एक काम करना, 7 कदम पीछे जाकर के मर्डर करना ही नहीं, मगर करने का मन हो तो भी 7 स्टेप बिहाइंड ओके। और आपको मालूम नहीं, मैं कथा आपको शायद पता होगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, ये चोर मरने के बाद 12वें देवलोक में गया। एक चोर मर्डर नहीं छोड़ सकता है, फिर भी 7 स्टेप पीछे जाने की प्रतिज्ञा चिन्ह की प्रत्यक उसने पालन किया। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, मेरे प्रवचन को तुम्हारे मन में तुमने एंट्री कहां दी? सच बताऊं खोपड़ी से बाहर निकल जाता है। दोपहर को 3 बजे आपको पूछे गुरुदेव ने आज प्रवचन में क्या कहा था, याद करना पड़ेगा। क्यों? 50 साल पहले तुम्हारे साथ परिवार में किसी ने अनजान कुछ बदतमीजी की थी, वो तुम्हारे मगज में बिल्कुल बैठा है और भगवान के वचन तुम्हारे मन में नहीं बैठा है। सबसे बड़ी तुम्हारी पहली माइनस पॉइंट, तुमने कभी भगवान के वचन को एंट्री नहीं दिए, चाहे तुम बोलते हो कान तक गया, मन तक गया, हृदय तक नहीं गया।
मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान के वचन को कान तक। आपको मालूम है तीन चीजें, श्रवण क्रिया, श्रवण कड़ा और श्रवण योग। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब सुनते हो ना प्रवचन, आपके मन में तीन चार भी बिठा देना, कान से सुन लो, वो श्रवण क्रिया, विथ अटेंशन सुन लो वो श्रवण कड़ा, और आपके हृदय तक जाए वो श्रवण योग। श्रवण क्रिया, श्रवण कड़ा और श्रवण योग। आपने श्रवण क्रिया तो बहुत की, कितने प्रवचन सुने। मैं भी कभी आपको पूछना चाहता हूं, छोटा सा प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा आपसे, फिर भी मैं पूछ तो लूं ताकि तुम्हें मन में याद आ जाए कि गुरुदेव को जवाब रूबरू में देना पड़ेगा तो क्या देंगे। मैं बताऊं, 500 किलोमीटर में चलू ना, यहां से 500-600 किलोमीटर चलू तो अहमदाबाद आ जाए, कितने प्रवचन सुनने के बाद तुम्हारा ठिकाना पड़ जाएगा। अहमदाबाद पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर मुझे चलना पड़े, आप मुझे बताओ कि तुम्हारा ठिकाना लगाने के लिए कितने प्रवचन मुझे सुनाना पड़े। नहीं बस गुरुदेव आप सुनाते चलो, मुझे बोलते सुनाते चलो, कभी हो जाएगा ठीक। नंबर वन, गिव एंट्री। क्या आज गुरुदेव नहीं है मेरे पास? 27 साल गुरुदेव के हो गए शांत होने के बाद, मगर हर चीज गुरुदेव की मगज में सेव है और इसलिए हमारा जीवन सेफ है। आपको पहली कंडीशन में कहना चाहता हूं, प्रवचन से परिवर्तन नहीं होगा। प्रवचन को तुमने एंट्री दी, हृदय तक प्रवचन तुम्हारा चला गया, 100% परिवर्तन पक्का। नंबर एक, गिव एंट्री। सेकंड नंबर, मेंटेन विक्टरी। गिव एंट्री, सेकंड नंबर, मेंटेन विक्टरी। आपने जो भी क्षेत्र में विजय पाया है उनको मेंटेन करते चलो। आपने शादी की है, शादी के बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल हो चुके हैं और अभी तक चाहे कितने भी प्रसंग आपके जीवन में आए मगर आप व्यभिचार के मार्ग पे नहीं गए, ये विक्टरी है आपकी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज के माहौल में स्वधारा संतोष परस्त्री गमन वीरमण व्रत, ये भी तो एक विक्टरी है। आपने जिस लड़की के साथ शादी की है, जिस बहन ने जिस युवक के साथ शादी की है, 10, 12, 15 साल तक अपनी ये सदाचार को यदि सेफ रखा है, मैं आपको कहूंगा मेंटेन करते चलना। आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप बिल्कुल टच मत करना, उनको छोड़ देना, मेंटेन विक्टरी। आज मेरा मुनि जीवन है, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, 53 साल के दीक्षा जीवन में जो कुछ भी गुरुदेव की कृपा से पाया, मेरे पुरुषार्थ से नहीं, गुरुदेव की अनंत अनंत करुणा से मैंने जो कुछ भी पाया है, मैं और आगे जा सकूं नहीं जा सकूं मुझे मालूम नहीं है, मगर जितना मैंने पाया है उनको मैं मेंटेन करते चलता हूं। प्लीज मेंटेन विक्टरी। आज तक तुमने मोबाइल में कभी भी ब्लू फिल्म न देखी हो तो भगवान से पछाण कर लेना, गुरुदेव ये मेंटेन विक्टरी, इतना प्रलोभन का मैंने त्याग किया गुरुदेव, मैं मेंटेन करता हूं। आज तक तुमने कभी नॉनवेज नहीं खाया है, या कभी तुमने वाइन नहीं पिया है, कभी तुमने गुटखा नहीं खाया है, कभी तुमने मित्रों के बीच में नॉनवेज जॉक्स नहीं खाया, ये जो कुछ भी आपके पास है उनको मेंटेन करो। आज के जमाने में ये बहुत बड़ी ताकत बने रही कि आई विल मेंटेन, गुरुदेव नियम दे दो। सच बताऊं, धर्म क्रिया को मेंटेन करना आसान है मगर पाप निवृत्ति को मेंटेन करना बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, धर्म प्रवृत्ति को मेंटेन करना आसान है मगर पाप निवृत्ति को मेंटेन करना बहुत बड़ी चैलेंज है। गुरुदेव आज तक भले ही मेरी शादी न भी हुई हो मगर गुरुदेव वो रास्ते पे कभी नहीं गया जिसको उंगली करने का मन हो। मन विचलित कितना भी हुआ है मगर एक बार बताना चाहूंगा, पवित्रता के क्षेत्र में एक बात आप सबको मैं कहना चाहता हूं, मन कभी अपवित्र बने तो भी वचन और काया को अपवित्र कभी मत बनाना। आज का जमाना एक विचित्र जमाना है, मीडिया सोशल मीडिया सब आपको बोलते हैं, मन में यदि दंभ है
मन में यदि सब गलत है तो वचन और काय में दंभ क्यों कर दो? उन लोगों को बोलना कि तेरी बात तेरे घर पे रख। कबीर का एक सूत्र है, मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। कबीर का एक सूत्र आपकी आंखों के सामने रखना, मन जाए तो जाने दो, मत जाने दो शरीर। मन कभी चला भी जाए कहीं गलत जगह पे, प्लीज शरीर को मत जाने देना, तब तक तुम बच पाए हो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप जिस क्षेत्र में हो, चाहे कॉलेजियन लड़के हो चाहे कॉलेजियन लड़की हो, ये प्रवचन सुनने वाले यंग जनरेशन अभी भी बहुत बैठी है अपनी जगह पे, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, प्लीज मेंटेन विक्टरी। तीन क्षेत्र की विक्टरी होती है, विजय की, विकास की और विशुद्धि की। विक्टरी को मेंटेन करना तीन क्षेत्र, एक विजय, आपको मालूम होगा वर्ल्ड कप में चैंपियन बन जाता है ना इंडिया है कोई भी, वो दूसरे वर्ल्ड कप आता है तो वो चाहता है कि गत मैच में हम चैंपियन थे, चाहे किसी भी हालत से वो ट्रॉफी हम बनाए रखेंगे। एक विजय को मेंटेन करना, नंबर दो विकास को मेंटेन करना, और नंबर तीन विशुद्धि को मेंटेन करते चलना। आपने अभी तक वाइन नहीं पिया तो प्लीज कभी भी मत पीना। जो भी गलत क्षेत्र में आज तक तुम कभी गए नहीं, वो क्षेत्र में चाहे ऊपर वाला टूट पड़े, आपका मित्र चाहे कितना भी बोले, 100% ना बोलना, मेंटेन विक्टरी। और आपको मालूम नहीं, ये वंगचुल जिसका मैंने नाम दिया 12वें देवलोक में का, और उसने मेंटेन कर दिया था। एक समय ऐसा आ गया था कि किसी का मर्डर करने का उसको मन हो गया, मगर उसी टाइम हाथ में छरा भी ले लिया, काट डालू, और उसी टाइम याद आया गुरुदेव ने मुझे नियम दिया था 7 स्टेप बिहाइंड। नियम को मेंटेन किया, प्रतिज्ञा को मेंटेन किया, और 7 कदम पीछे चला तो छुरी लग गई बर्तन पे, आवाज आई, और जिसका मर्डर करने जा रहा था वो मानता था कि ये मेरी पत्नी के साथ सुया हुआ कोई यार है, खुद की बहनी थी। ओहो हो, पता चला ये तो मेरी बहन पुरुष के वस्त्र में सोई थी, और उसको लगा मेरी पत्नी के साथ कौन पुरुष हुआ है, मार डालू, और जैसे ही बर्तन के बाद वो जाग गई, और तब पता चला हो कितना बड़ा अनिष्ट हो जाता, मेरे हाथ से मेरी बहन का मर्डर हो जाता। मेंटेन प्रतिज्ञा, आपने कभी मन में सोचा गुरुदेव मेंटेन विक्टरी, वी आर रियली हैप्पी, रियली हैप्पी। आप कभी किसी मुनि को पूछो, मैं सच बताऊं हमें बहुत आगे हम कितने बढ़ेगी इस जीवन में, औदारिक शरीर, 6ठा संगठन 5वां आरा, बहुत कुछ मजबूरी कमजोरी लेकर के बैठे, मगर मेंटेन विक्टरी, हमने गुरुदेव ने जो प्रतिज्ञा दी थी 100% को मेंटेन करके रखा है। सेकंड नंबर का स्टेप, पवित्रता को स्टेबल रखना है, मेंटेन विक्टरी, और विक्टरी को पवित्रता के क्षेत्र में मेंटेन करना चाहते हो तो मेरी ओर से 3 राय है। पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को यदि आप मेंटेन करना चाहते हो तो 3 क्षेत्र में पक्का बन जाना, एकांत में, अति परिचय में और अंधकार में कभी भरोसा मत करना। न एकांत, न अति परिचय और न कभी अंधकार। आप अपनी पवित्रता को मेंटेन रखना चाहते हो तो 3 क्षेत्र से अपने आप को दूर रख देना। किसी भी विजाति के साथ एकांत में मत बैठना। एक्सेस परिचय मत करना, एक्सेस, और अंधेरे में खुद पर कभी भरोसा मत रखना। जो पवित्रता को मेंटेन रखना चाहते हैं उनके लिए मेरी सबसे बड़ी टिप है, एकांत, अंधकार और अति परिचय। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, 3 में यदि तुम बच गए तो दुनिया की कोई ताकत आपकी पवित्रता को, आपकी विशुद्धि को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, डिस्ट्रो नहीं कर पाएंगी। आज का माहौल बहुत गलत है। मैं बताना चाहूंगा रायपुर की एक लड़की की बात।
चाहे आपकी जो भी व्यवस्था में वो व्यवस्था में भी पॉसिबल आपको मैं ऑर्थोडॉक्स भी लग सकता हूं। वडोदरा में एक पिताजी अपने बेटे को और बेटी को लेके आए थे। महाराज साहब बेटे ने कमाल कर दी। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज बिजनेस में पैसे इतने बढ़ गए, फ्लैट में रहता था, एक बंगला बनाया। ये लड़का महाराज साहब 18 साल का, उनकी बहन 20 साल की। आपके आपको शायद आज के जमाने का माहौल का पता नहीं होगा महाराज साहब, मगर मैंने मेरे बेटे के लिए और बेटी के लिए अलग कमरा बंगले में बनाया। और जब बंगला बन रहा था, पूरा बंगला बन गया, फर्नीचर बनाने की बात आई, तो बेटे को और बेटी को एक बार मैं लेके गया। यही बेटा आपके सामने बैठा है महाराज। और महाराज साहब बेटे ने खुद का कमरा देखा तो बेटे ने मुझे कहा, पापा एक विनंती करो आपसे। तो क्या है, हो सके नहीं तो मेरे कमरे में आपने टीवी लगाया और बहन के कमरे में भी टीवी सेपरेट लगाया, पापा प्लीज वो टीवी मत लगा। मैं तो चाहता हूं हम दोनों के लिए स्पेशल कमरा ही मत रखो। पापा आज हमारा ड्राइंग रूम में टीवी है ना, तो कम से कम पूरा परिवार टीवी के सामने भी एक बार तो इकट्ठा होकर बैठता है। कल आपने हमारे कमरे में टीवी रख दिया, मेरे कमरे में अलग टीवी, उनके कमरे में अलग, पापा हम कब मिलेंगे परिवार के साथ? तो पापा विनंती करता हूं आप कमरा ही निकाल दो मेरे लिए, हम सब साथ में रहेंगे, अलग रहेंगे, ये सब मजा है। मगर आप पापा देखते हो कॉलेज में जाता हूं, मेरी उम्र का आपको पता है, बहन की उम्र का पता है, बंद कमरा, युवानी, ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, एडवांस टेक्नोलॉजी सब मेरे सामने। पापा एक समय था गलत करने के लिए गलत स्थान पे जाना पड़ता था, गलत देखने के लिए गलत स्थान पे जाना पड़ता था, आज सब आपके घर में गलत आ चुका है। पप्पा इस उम्र में अलग रूम, अलग कमरा, सब कुछ इंडिपेंडेंट देकर के आपके बेटे को यदि गंवाना नहीं चाहते हो, आपके बेटे के संस्कार को पप्पा बचाना चाहते हो, तो प्लीज पप्पा विनती करना चाहता हूँ मेरा अलग कमरा नीचे और हम दोनों को अलग कमरा देने की आपकी इच्छा है भी तो भी एडवांस टेक्नोलॉजी कोई चीज नीचे। मैं सच बताऊं, बाप जब बात करता था बाप की आंख में हर्ष सुने और लड़का खुद रो रहा था। गुरुदेव सच बताऊं, भगवान से विनती करता हूं अगले जन्म में या शायद किसी का बाप बनने का मौका मिले, ऐसे बेटे का मैं बाप बन जाऊं। अनप सनप पैसे आने के बाद आपके बेटे और बेटी को तुमने सब कुछ इंडिपेंडेंट दे दिया। जब दीक्षा जीवन के 45 साल के बाद भी गच्छाधिपति मुझे लिखते कि रत्न विषय के साय का भरोसा मत करना, और तुमने क्या कर दिया, मेंटेन विक्टरी। एकांत, अंधकार और अति परिचय, यदि पवित्रता आप बचाना चाहते तो प्लीज 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 इन तीन से बचने का प्रयास करना। नंबर दो, नंबर वन गिव एंट्री, सेकंड मेंटेन विक्टरी, नंबर तीन चार्ज बैटरी। आपको मोबाइल भी चलाना है तो बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। आज भी आप किसी भी मुनि भगवान को मिलो, चार्ज बैटरी, वो हित शिक्षा लेता है, वो पाठ लेता है, वो वाचना लेता है, वो आगम पढ़ता है, 24 घंटे अपनी बैटरी को चार्ज करते रहता है, तब यहां उनका जीवन ठीक ठीक चलता है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके पास तीन विकल्प है, तीन विकल्प बैटरी को चार्ज करने के लिए, श्रवण, वाचन और संगत। फिर से मैं कहूंगा, आपकी बैटरी को चार्ज आप करना चाहते हो तो आपके पास तीन चीज बची है, श्रवण, वाचन और संगत।
परमात्मा के वचन का श्रवण का मौका जब भी मिले तब तुम चले जाओ, ये सबसे बड़ा बैटरी चार्ज करने का विकल्प। गुरुदेव सब कुछ गया था मगर आपको सुना, फिर से पावर में आ गया। गुरुदेव खत्म हो गया था मगर एक अच्छा साहित्य गुरुदेव जब से हाथ में आया, हमारे मां तो बहुत कथा है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। उपमिति भोग प्रपंच कथा का रचयिता सिद्धर्षि गण एक समय का वो पीने वाला था, पीने वाला, वो गलत रास्ते से वापिस आया। उनमें सबसे बड़ा रोल था ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ का। नंबर एक, आपका संगत, आपकी दोस्ती यदि कल्याण मित्र के साथ हो, आपके कानों पे परमात्मा के वचन जाते हो और आपके पास हाथ में यदि अच्छा साहित्य हो, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं आपकी बैटरी चार्ज होते ही रहेगी। आपका प्रयास यदि होगा तो हर चीज को आप चार्ज करने के प्रयास में लगे हो, मगर इसके लिए क्या मालूम, मैं छोटा सा प्रश्न पूछूं, पैसा कमाने के लिए तुम ज्यादा से ज्यादा कितना किलोमीटर दूर जाते हो? यदि तुम्हें पैसा मिलता है तो तुम्हारी कोई रेंज है कि 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उससे आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा? नहीं ना। माने पैसा कमाने के लिए 500 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो जाना है, तो मैं इतना पूछना चाहूं बैटरी चार्ज करने के लिए तुम कितने किलोमीटर अभी तक गए? मैं जहां रहता हूं गुरुदेव, वहां परमात्मा के वचन की डिलीवरी कोई करने वाला नहीं होता है, और मुनि भगवान का प्रवचन गुरुदेव 20 किलोमीटर दूर होता है, मगर मैंने ठान लिए रोज 20 किलोमीटर जाऊंगा बैटरी चार्ज करने। आप खुद बोलो कि आपके पास ये सब व्यवस्था कितनी है। नंबर वन, गिव एंट्री। सेकंड, मेंटेन विक्ट्री। नंबर तीन, चार्ज द बैटरी। सच बोलो, कभी कभी आपको पीड़ा भी होती है तो कब पीड़ा होती? आज का प्रवचन रह गया, आज 2 पेज भी अच्छा पढ़ने का रह गया, आज कल्याण मित्र को मिलने का मौका ही मिला था फिर भी चूक गया, इसकी पीड़ा आपको? सच बताऊं, एक बात याद रखना, आपका आनंद यदि उत्तम है और आपकी पीड़ा उत्तम है तो भी तुम उत्तम हो। रिपीट, आपका आनंद यदि उत्तम है, आपकी पीड़ा भी यदि उत्तम है, तो आप उत्तम की कैटेगरी में हो। यू आर ग्रेट इफ योर पेन इज ग्रेट, इफ योर जॉय इज ग्रेट, इफ योर पेन इज ग्रेट, यू आर रियली ग्रेट। आपका आनंद टॉप पे चलता है, गुरुदेव कमाल हो गया, कमाल। आज एक साधर्मिक भक्ति करने का गुरुदेव मौका मिला, जो आनंद आया गुरुदेव मेरे कारण, ये आनंद आपका, यू आर गुड, यू आर ग्रेट। आज होटल में गया और मजा आ गई, वो नहीं गुरुदेव, आज साधर्मिक भक्ति हो गई, मजा आ गई। आज परमात्मा के एक छोटा सा प्रश्न पूछो, भले आपका जवाब नहीं मिलेगा मगर फिर भी आपकी कैटेगरी एक बात तय करना। अखा त्रिज के दिन, वैशाख शुद्ध त्रिज के दिन वाली तरह शायद गए हो और परमात्मा का प्रथम पक्षाल की बोली में आपको चांस मिल गया। आपके आनंद की मैं बात करना चाहता हूं और वो बोली सिर्फ ना मालूम कोई भी कारण था, 1000 मन में आपको लाभ मिल गया। ओनली 1000 मन माने 5000 रुपया। आपने 20 साल के पहले का रिकॉर्ड चेक किया तो लगा कि 10 लाख से पहले कभी पहला पक्षाल नहीं मिला। नंबर 10 लाख की बोली बोलने के बाद प्रथम पक्षाल का लाभ 20 साल से किसी को नहीं मिला और आपको 1000 मन में सिर्फ 5000 रुपया में लाभ मिल गया। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्रथम पक्षाल आपको मिला उसका आनंद कि सस्ते में मिल गया उनका आनंद? आप अपने आप को चेक करना, योर जॉय इज ग्रेट या पुअर। भगवान ऋषभदेव का प्रथम पक्षाल आपको मिल गया और अहमदाबाद से, मुंबई से, बड़ौदा से, राजस्थान से, कहीं से भी तुम आए और आपके मित्र के बीच में आपने शेयर किया, यार कमाल हो गई। इस टाइम अखा त्रिज में ऋषभदेव भगवान का प्रथम पक्षाल का लाभ मिल गया और सामने वाला पूछेगा कितने में मिला? अरे बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में। माने भगवान का प्रथम पक्षाल मिला उसका आपको आनंद नहीं है मगर सिर्फ 5000 रुपये में मिले उनका आनंद, तुम गए काम से।
आनंद तो तुम्हारा ही होना चाहिए यार। छोड़ मार बोली यार, 5,000-50,000 की तीन जगह के नाथ का प्रथम पक्षाल मैं आपको कहना चाहता हूँ। भगवान विष्णुदेव के पक्षाल को पाने के बाद भी आपका आनंद टॉप पे नहीं है, आपका आनंद पैसे के केंद्र में। क्या कमाल, क्या कमाल ये पीड़ा। योर जॉय इज नॉट ग्रुड, योर जॉय इज नॉट ग्रेट। मैं रिपीट करना चाहता हूं और आपको मालूम है, पीड़ा भी उत्तम, पीड़ा भी आपकी ग्रेट। 1500 तापस को दीक्षा देने के बाद 7 तापस समोसन में केवल नानी की प्रसादा में गए और तब गौतम स्वामी ने उनको रोका, यार वहां मत जा। तो भगवान ने बोला, गौतम इनकी आसाधना मत कर, सब केवली हो गए। गौतम की आग में आंसू आ गए, भगवान मैं कब केवल नान पाऊंगा, जिनको दीक्षा देता हूं सब केवल नानी और मैं ही रह गया। ये पीड़ा गौतम की, हमने गौतम की पीड़ा की प्रशंसा की, आपको मालूम नहीं है। गौतम के आंसू की हमने प्रशंसा की, आपको मालूम है। भगवान महावीर के साथ रह करके गौतम जो नहीं पाया, भगवान महावीर जाने के बाद पा गया। 12 साल तक भगवान के साथ रहने के बाद गौतम को केवल ना नहीं मिला, और फिर से बताऊं, साधना से गौतम को केवल ना नहीं मिला, पीड़ा से मिला। आपके पास पीड़ा है क्या? गुरुदेव हर साल तो बहुत दान करता था, आज सच बताऊं, अभी 3 दिन के पहले एक भाई आए, भाई का मैसेज आया, गुरुदेव मैं जिस संघ में हूं ना उस संघ में हर साल प्रभादीराज परिषद में कल्प सूत्र गुरुदेव को बहराने का लाभ मैं ही लेता। गुरुदेव 12 महीने में एक ही बार कल्प सूत्र आता है, सकल श्री संघ के बीच में सुनाने का लाभ मुझे मिले, इसके लिए भगवान ने भी मुझे बहुत दिया है, मगर सम्यक ज्ञान की उपासना करने के लिए हर साल मैं ही तो लाभ लेता था, मगर आज इस साल कोरोना के माहौल में ये लाभ नहीं मिलने वाला है। कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, कल्प सूत्र का लाभ भले ही गया, मगर ज्ञान की भक्ति का लाभ तो मैं लेना चाहता हूँ। गुरुदेव मेरे मन में मैं ठान लिया है, कितनी बोली तक मैं कल्प सूत्र लेता हूँ इतने रुपये ज्ञान के मार्ग में मैं सदवे करना चाहता हूँ। गुरुदेव आज कल्प सूत्र का मौका भले न मिले, मगर संपत्ति का सदवे करने का मौका तो मैं उठाना चाहता हूं। आपकी पीड़ा की कैटेगरी बताओ, फिर से मैं कहना चाहूंगा, आपके आनंद की कैटेगरी, आपकी पीड़ा की कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में वो तय कर देगा। आज रात को नींद नहीं आई वो भी पीड़ा हो सकती है, और नींद नहीं आई फिर भी स्वाध्याय करने का मन नहीं हुआ वो भी पीड़ा हो सकती है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, नींद ना आई वो भी पीड़ा, मगर पूरी रात गुरुदेव नींद नहीं आई मगर माला गिनने का मन नहीं हुआ, गुरुदेव ये कहा? सच बोलो आपकी पीड़ा कौन सी, नींद नहीं आई उनकी के नींद में भी माला गिनने का मन नहीं हुआ उनकी, कोरोना के हिसाब से बाजार में नहीं जाने का हुआ वो पीड़ा आपकी ज्यादा, या परमात्मा के दर्शन नहीं करने को मिलता है वो पीड़ा आपकी ज्यादा? आप इतना तो बताओ आपकी पीड़ा की और प्रसन्नता की कैटेगरी कौन सी। मैं आज एक छोटा सा प्रसंग बताऊं, मैं बरसों पहले सूरत में चातुर्मास था, और वो चातुर्मास में मैं सुबह की नौकाशी बेचने के लिए जाता था। जब पहली किताब ने लिख दी माने करीबन बिफोर 37 ईयर्स, एक अपार्टमेंट में गुजरी गया, दरवाजा बंद था, धर्मलाभ 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 2-3 बार आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला, वापिस चलाया। मुनि जीवन है, ऐसे तो प्रसंग बनते रहते। और अभी मैं बताना चाहता हूं, 2 दिन के बाद एक भाई आए, उनके साथ इनका मित्र था, गुरुदेव उपास का पचकांग दे दिया, क्योंकि प्रभादीराज परिषद के दिन आते थे, समझा कि मास कमंड 16 कुछ भी करना होगा। दूसरे दिन उपास, तीसरे दिन चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें नौवें दसवें 11वें दिन उपास का बचकान लिया, तब मेरे मन में आया पूछूं, और तब मैंने पूछा 16 करने का मन है मास कमंड करने का मन, बस मेरा पूछना और आंख में से आंसू चलना।
बाजू वाले लड़के ने बता दिया महाराज साहब, आज आपने पूछा तो मैं बताना चाहता हूँ, उसने मुझे नाम बोला है। मैंने बोला बता देने, मैं तो समझता हूँ कि 16 मास का, नहीं बिल्कुल नहीं महाराज साहब, आज तक कभी केला भी तो नहीं किया। तो मैं बोला पचकान ये उपवास किसका? महाराज साहब उस दिन आप नौकरशी बेचने के लिए आए थे, जिस घर का फ्लैट का दरवाजा बंद था यही भाई थे। आपने धर्मलाभ 3 बार बोला फिर भी घर का दरवाजा नहीं खुला। आपके गुचरी निकल जाने के बाद बाजू वाले ने उनको कहा कि आपके घर रत्न सुंदर महाराज आए थे, आपका दरवाजा नहीं खुला, वापिस गए। महाराज साहब वो पूरी रात सोए नहीं। ये घर के दरवाजे बंद किए महाराज साहब, आपकी रविवार की गुरुदेव की निश्रा में हो रही शिविर चायर प्रवचन, 3-3, 4-4 हजार पब्लिक के बीच में आप जम के बरसते हो, ऐसे मुनि भगवान मेरे घर पे एक नौकार सी बेरने के लिए आए थे, ये पैसे का पाप, ये सिक्योरिटी की चिंता, महाराज साहब घर का दरवाजा बंद और आप वापिस चले गए। महाराज साहब पूरी रात रोए हो। जब सुबह मुझे मिले, मैं इनका फास्ट फ्रेंड हूं, मिले तो मैंने बोला क्या हो गया, कल गुरुदेव आए थे और लाभ नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, गुरुदेव वापिस चले गए, घर का दरवाजा खुला होता और गोचरी नहीं होती तो समझ में आता, गोचरी शक्ति दरवाजा बनता, गोचरी बेरा में का भाव इतना जबरदस्त था, मगर सुनाई नहीं पड़ा, धरन आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। और गुरुदेव सच बताऊं, मैंने बहुत समझाया फिर भी कहानी, इस पाप का प्रायश्चित मुझे करना ही पड़ेगा, आपसे तो घर का दरवाजा खुला रहेगा मगर ये पाप का प्रायश्चित करते रहूंगा। और तब से गुरुदेव उपवास का पचकान शुरू किया है, मन में अभिग्रह लिया है कि गुरुदेव पूछेंगे उससे दूसरे दिन ही पारणा करूंगा। आपने 11 दिन तक गुरुदेव पूछा नहीं, वो उपवास चलते रहा। आज आपने और जैसे मैं बात करता था वो तार तार रो करके मेरी गोद में सर रख दिया, गुरुदेव जिंदगी में अच्छा अच्छा बिजनेस मैंने गंवा दिया, उनकी पीड़ा नहीं थी, आज एक इतनी पीड़ा छुप रही है। आप जैसे मुनि भगवान सुपात्र दान से नैसार संकित पाता है, संगम शाली भद्र बन जाता है, चंदन बाला भगवान महावीर को प्रणा करा देती है, रेवती श्रावी का तीर्थंग नाम कर्म का बंद कर देती है, यही सुपात्र दान का मौका घर पे आया गुरुदेव। और मैं चुप गया, वो रो रहा था और उनको रोते रहते मेरी आंख में आंसू आए। 11 उपवास के बाद उसका फिर भी कहना था, गुरुदेव आपको उचित लगे साता ठीक है और भी उपवास में आगे चलाऊं, मैंने प्रणा करवाया, आपके पास ऐसी पीड़ा है, पेमेंट डूब गया इनकी पीड़ा है, बिजनेस जो इनकी पीड़ा है, मगर मुनि भगवान वापिस आए घर पे ही नहीं आए, वो पीड़ा कभी। चार्ज बैटरी, श्रवण संगत और वांछन, नंबर 4 स्टॉप कमेंट्री, स्टॉप कमेंट्री, पूरे गांव की चिंता बंद कर दो, बहुत कुछ हो गया, संघ में क्या होगा, देश का क्या होगा, उनका क्या होगा, तेरा सोच बहुत हो गया सबका, स्टॉप कमेंट्री। और आपको मालूम तो मैं शास्त्रीय दृष्टांत शास्त्रीय श्लोक बोलता हूं, उत्तमा आत्मा चिंता स्याद विषय चिंता तू, मध्यमा अधमा त्वर्त चिंता स्याद पर चिंता अधमा धमा, दूसरे की फिजुल कमेंट्री करने वाले की चिंता अधमा धम कैटेगरी में रखी, अधम से भी अधम। और हमारी कमेंट्री में सच बताओ कोई अच्छी बात नहीं आती है, सब गलत गंदी बात ही आती है, बैड एंड रॉन्ग। और एक बात आपको प्रवचन में सुनना है तो सुन लो, सार्थक को पाने के लिए व्यर्थ से पीछे हटना पड़ेगा। रिपीट करना चाहता हूं, यदि आप सार्थक को पाना चाहते हो तो व्यर्थ से बचो, तो ही सार्थक के लिए आपके पास कुछ बचेगा। तुमने हर चीज व्यर्थ में गंवा दी तो सार्थक के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। आपको कोई मिले प्रवचन की बात करो,
कोई मिले दानशील तब की बात करो, कोई मिले सत्कार्य की बात करो, कोई कमेंट्री करने की बात जिसमें आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलता है वो कमेंट्री बंद कर दो। पवित्रता को बचाना है तो आप बेचते हो ना टीवी के सामने, आपको मालूम होगा कई दो तीन चीज ऐसी इश्यू अभी चल रहा है कि जिसकी कमेंट्री में ना आपको कुछ लेना है ना कोई आपको देना है, मगर तुम भी उसमें लग गए हो। अचानक का एक सूत्र संस्कृत में बोलना चाहता हूं, फिर प्रवचन में आगे चलूंगा। पांचवें स्टेप में चेष्टा परस्य वृत्तांते मुकांद बदीर उपमा, ये अचानक सूत्र का कोटेशन आपको लिखना है तो लिख दो कॉमेंट्री में। श्रेष्ठ है चेष्टा परस्य वृत्तांते मुकांद बदीर उपमा, दूसरे की चेष्टा के लिए आप मुख हो जाओ माने मौन हो जाओ, बधिर माने कान से सुनो मत और आंख से देखो मत। गांधी जी के तीन बंदर की बात, ना कुछ गलत देखो ना कुछ गलत बोलो ना कुछ गलत सुनो, दूसरे की चेष्टा के लिए स्टॉप कमेंट्री, गिव एंट्री, मेंटेन विक्ट्री, चार्ज बैटरी, स्टॉप कमेंट्री और पांचवें नंबर की बात डोंट मिस लॉटरी। डोंट मिस लॉटरी। आज कोरोना का माहौल है, आपको खुद को मालूम है, जिनका खुद का बिजनेस है उन सबको पता है कि गुरुदेव जो दिन आए वो दिन में आर्थिक समस्या इतनी जबरदस्त है कि कैसे आगे निपटेंगे वो प्रश्न है। डोंट मिस लॉटरी, ये कोरोना के माहौल में आज आपको साधर्मिक भक्ति करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी तक मिली है। डोंट मिस लॉटरी। आपके घर में पेंडा मिठाई बर्फी नहीं खाएंगे तो चलेंगे, कई साधर्मिक शायद ऐसे होंगे जिनके घर में गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा। मैं आज बड़ी गंभीरता से इस प्रवचन सुनने वाले को कुछ कहना चाहता हूं कि डोंट मिस लॉटरी। बहुत बड़ी तक, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी ताकत आज के माहौल में मिली। हम नहीं चाहते थे कि कोरोना आ जाए मगर आ ही गया है। नौकरी करने वाले के नौकरी खत्म, चालू है तो कोई सैलरी देगा कि नहीं मालूम नहीं, सैलरी देगा तो 50% देगा वो भी तो पता नहीं, चाहे तो कहां जाए। उनके सामने उनकी मेरे पास रोज इतने मैसेज आते कि गुरुदेव कुछ भेजो कुछ भेजो कुछ भेजो कुछ भेजो, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है, एडमिट करना है, बेटे को एडमिट करना है, बेटी को, अरे पढ़ाने की बात तो सब भूल गए, मेरा बेटा कौन से क्लास में पढ़ेगा आने वाले, वो तो छोड़ो, मगर रिक्वायरमेंट की चिंता इतनी बढ़ चुकी है आज के माहौल में। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हाथी को एक दाना छोड़ना है और चींटी का स्वामी वत्सल हो जाएगा। हाथी ने एक छोटा सा दाना छोड़ दिया तो सैकड़ों चींटी का स्वामी वत्सल हो सकता है। आपको थोड़ा छोड़ना है और न मालूम कितने साधर्मिकों के आंखों के आंसू आप पहुंच पाएंगे। डोंट मिस लॉटरी। ऐसी बहुत बड़ी ताकत आज आपके पास है, आपके खुद के खर्च में कटो। और मैं बताऊं, कई लोगों को लॉस में लॉस है, कई लोगों को प्रॉफिट में लॉस है। लॉस में लॉस है उनकी चिंता करो, आपके प्रॉफिट की लॉस की बहुत चिंता मत करो, बहुत चिंता मत करो। यदि एक बार आपके दिमाग में ये बात हो जाए, मैं बताऊं ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के माहौल के हिसाब से प्रवचन करीबन बंद है, 10 दिन में तो परिश्रम आएंगे। इस सदी में हमारा जन्म हुआ, आज जो माहौल के बीच में हम जा रहे हैं वो माहौल 2600 साल में कभी न किसी ने देखा था और न चाहते भगवान का शासन जब तक चले कभी ये किसी को देखने का दिन आ जाए, मगर वो देखने का दुर्भाग्य बोलो दुर्भाग्य मेरे सामने आया। परवादीराज पोल्यूशन ठंडा लग रहा है, साधु और साधवी भगवान की सुरक्षा के लिए कोरोना संक्रमित न हो
एक साल में सब होके करीबन 100-200 दीक्षा होती है, दैट मीन्स मुनि जीवन कितना दुर्लभ है। और इस मुनि जीवन की शाता समाधि और जीवन को बचाने के लिए आपकी भक्ति इतनी जबरदस्त रहती है कि चाहे हम कितनी भी शिस्त की बात करें, मगर सोशल डिस्टेंस की शिस्त नहीं रहती है। जहां जहां भी भीड़ को इकट्ठा होने की इजाजत मिली है वहां सोशल डिस्टेंस नहीं रहा है और मास्क भी नहीं रहा है, कुछ बचा नहीं है। आप देखो, बीच देखो, होटल देखो, मॉल देखो, कहीं भी देखो, धज्जी उड़ रही है सोशल डिस्टेंस की। मे बी पॉसिबल धर्म स्थान में आपको आने की परमिशन मिले तो भी प्रभु के प्रति आपका भाव, गुरु भगवान के प्रति आपका शुभ भाव इतना जबरदस्त है कि आप अनुशासन में न भी रहो, सोशल डिस्टेंस भूल जाओ और परमात्मा की गुरुदेव की भक्ति के लिए तुम तलब के नजदीक आ जाओ। आपका इमोशनल पागलपन किसी गुरु भगवान के शास्त्र को डिस्टर्ब कर सकता है, वो न हो जाए। आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, आपकी भक्ति में कोई इमिटेशन भी नहीं है, 100% आपकी भक्ति है। आप भी चाहते हो भगवान दर्शन कब देंगे, गुरुदेव आपका दर्शन कब होगा, और यदि दर्शन की छूट मिल गई तो सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़े और हम किसको रोके, कहां से रोके। मुनि भगवान के, साधु भगवान के ग्रुप 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 को लेके बैठे तो ये माहौल के बीच में डोंट मिस लॉटरी। जो भी आपको धर्म करने की सुविधा प्रभाती रात के परिसर में मिलती है, चाहे वो साधारण खाता हो संघ का, चाहे साधर्म में भक्ति हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे जीव दया हो, चाहे मंदिर का मेंटेन 12 महीने का खर्च करने की बात हो, मैं बताऊं, या मैंने बंबई में देख लिया कई जगह ऐसे ऐसे बहनों का और भाइयों का ट्रस्टी पे फोन जाता है कि गुरुजी का प्रवचन सुना है, 12 महीने का जो भी मेंटेन है मेरे नाम पे लिख देना, किसी की टिप मत करना, हजारों लाखों रुपया की ऑफर करने वाले। आज बम्बे में 4 दिन के पहले लड़का का मेरे पे फोन आया, गुरुदेव एक बहन का फोन आया मेरे पर कि संघ के ट्रस्ट मंडल में पूछ लो कि किसकी छाता में क्या क्या कमी है। देन हो जाएगा नहीं, इस टाइम किसी को लाभ नहीं देना है, पूरा का पूरा लाभ मेरे नाम पे रहेगा, ये भी तो है। तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा पवित्रता के सब्जेक्ट पर, गिव एंट्री, मेंटेन विक्ट्री, चार्ज बैटरी, स्टॉप कमेंट्री एंड डोंट मिस लॉटरी। यदि ये आपकी ताकत बन जाए फिर देखो क्या होता है। कल का लास्ट प्रवचन पवित्रता के सब्जेक्ट पर रहेगा, फिर सब्जेक्ट चेंज होगा परसों से। तो फिर भी कल जो भी आपके परिवार को यंग जनरेशन है, खास इनको बिठाने का आग्रह रखना, पवित्रता की कल एक क्लाइमेक्स पर बात करना चाहता हूं। कल ठीक सुबह 8:30 बजे पछाण उपवास श्री गणम पणार वृंदावन श्री आयमिली कांदम आयमणम जय।